Hello everyone, morning to all of you. So we can proceed for the lecture. Last class pe aap conductors ke bare mein kuch learn kar rahe the, to usi ko main carry karta hu. Conductors, koi concern wagera ho to aapko puchne ka. Conductors type of materials hote hain jis pe free electrons hote hain. और सिंस चार्ज उस पर फ्रीली मूव कर सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिस पर चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है. और अगर चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है इसका मतलब है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने कंट्रोल पे नहीं होगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा. यानी जहाँ पे आप चार्ज दोगे वहाँ पर है, ऐसा जरूरी नहीं है, इट कैन मूव एनीवेयर. सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट वी लर्न, शॉर्ट में उसको रिवाइज करा देता हूँ. उनको आप एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िए सो दैट आपको याद हो जाए. किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे मिलेगा? सरफेस पे मिलेगा. सो सरफेस पर ही चार्ज रहता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर दूसरा पॉइंट आपने ये लर्न किया था कि इनसाइड में अगर आप फील्ड की वैल्यू देखोगे तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड जीरो रहती है. बाहर अगर आप फील्ड लगाओगे बिना तो अंदर फील्ड आपकी जीरो रहेगी. वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इनसाइड की फील्ड को जीरो इंश्योर करेगा. तो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनसाइड का फील्ड जीरो रहता है और उस जीरो को मेंटेन करने के लिए अपने चार्जेस को मूव कराता है. कहाँ पर चार्जेस को लेके जाएगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको इनसाइड की जीरो इंश्योर हो जाए, फील्ड जीरो इंश्योर हो जाए. एक बार फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. सो चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहता है इनसाइड के लिए. तो ये भी एक पॉइंट बन गया था. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था कि किसी पॉइंट पर आते हैं और जस्ट आउटसाइड देखते हैं तो जस्ट आउटसाइड का फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है और उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन से लिख सकते हैं. एन इज अ नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सिग्मा जो इस पर्टिकुलर लोकेशन की डेंसिटी चल रही होगी. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिग्मा हर जगह का बराबर हो. तो जिस लोकेशन पर आप हैं उस लोकेशन की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है. जस्ट आउटसाइड परपेंडिकुलर होता है, उसके बाद कैसा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि क्या स्टोरी चल रही है. तो फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर फॉलोइंग. हम लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था फिगर में फील्ड लाइन्स कैसे दिखती है, तो 90 डिग्री पर इनसाइड और आउटसाइड जाते हुए नजर आनी चाहिए. प्लस चार्ज होगा तो आउटसाइड होगा, माइनस होगा तो टूवर्ड्स सर्फेस होगा. जस्ट इनसाइड कितना होता है वो जीरो होता है, वो अपने को पता चल गया. इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स मैंने बताए थे कि जो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है. सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम रहेगी. इसका मतलब फ्लैट सरफेस होगा तो चार्ज लेस कम रुकेगा और जितना कर्व होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा. इधर दूर दूर आएगा. सो देख करके भी हम बता सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लर्न किए थे और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इन पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और अपने को याद भी रखना होता है. कई बार वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार उसका एप्लीकेशन रहता है. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बोला था कि अगर एक पॉइंट चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे वर्क डन जीरो रहेगा क्योंकि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से डिपेंड होता है. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो रहेगी इफ यू आर गोइंग टू मूव ऑन लोकेशन. ये रिकैप है लास्ट क्लास को लेकर के. अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं. कुछ और भी पॉइंट्स लास्ट क्लास में ही अल्लाह की कवर किए थे कि जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का एप्लीकेशन था कि अगर किसी स्फीयर को, ये मेटल का स्फीयर है, ये मैटर हमारे लिए नहीं करेगा कि ये सॉलिड है या हॉलो है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे लाई करने वाला है. सो जितना भी चार्ज है उसको प्रोवाइड करने वाला हो सब इंटायरली विल बी ऑन द सरफेस. और इस चार्ज की वजह से आप पाओगे कि इस पे फील्ड्स लग रहे होंगे और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा. तो स्फेरिकल केस में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है.
ये कब जब कोई आपने फील्ड नहीं लगाई है, बट होगा क्या, सपोज कर लीजिए कभी ऐसा बोलता है कि आपके पास यहाँ पे उसने प्लस क्यू चार्ज रख दिया अलग से, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज रखेगा तो आप बोलोगे कि ये जो प्लस क्यू चार्जेस थे ना उसको ये रिपेल करेगा, तो ये जो प्लस क्यू चार्जेस थे वो अब यहाँ से भाग जाएंगे इधर आ जाएंगे, सो यू विल फाइंड कि जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। इनफैक्ट ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको यहाँ पर लेके आ जाएगा, इसको बोलेंगे इंडक्शन, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बेसिकली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉइंट है इसके अगर कोई और फील्ड या कोई और चार्ज होता है सो देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन, इफ देयर इज नथिंग देन इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स द पॉइंट। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इफ देयर इज नो अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और चार्ज अवेलेबल देयर। इन पॉइंट्स को यूज करके हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो अभी एक छोटा सा पॉइंट आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ समझना आसान होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आप चाहोगे तो हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक शेल, स्फेरिकल शेल है, मेटल का है, कंडक्टर का है, इस पर चार्ज है जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसी से लिंक कर देते हैं। और जो भी चार्ज रहेगा वो इसके ऊपर रहने वाला है, आप देखोगे कि ये जो चार्ज है इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश कर रहा होगा, ये इसको पुश कर रहा होगा, ये पुश कर रहा होगा, यानी जो स्फीयर है ना वो प्रेशर कंडीशन पर होगा क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। रिमेंबर फोर्स लग रहा होता है किसी पर तो परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर निकल के आ जाता है, जैसे कि आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था कि कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं और इस तरह से टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्फीयर का डायमीटर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एडवांस लेवल पर इक्वेशन रेडी किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को वाइड से इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से लिंक किया जा सकता है कि अगर चार्ज हमारा क्यू दिया गया तो बताइए इसकी रेडियस में कितना ग्रोथ आ जाएगा। तो रेडियस में ग्रोथ क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा जिससे स्ट्रेस बिल्डअप होगी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को लिंक करके फिर हम बता सकते हैं कि कितना डिफॉर्मेशन होने वाला। सो वो सब पता करने के लिए अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना फोर्स लग रहा होता है या फिर कितना प्रेशर बन रहा होता है, तो उसी प्रेशर को हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बिकॉज इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ द चार्ज। नाउ मैं इसको डेरिवेशन करके बता देता हूँ, फाइनली फार्मूला क्या आएगा वो भी बता देता हूँ। सो फार्मूला कुछ आएगा P इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। सो अगर अपने को प्रेशर निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। इस तरह का एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा था, इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बोली थी, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वही प्रेशर का काम करती है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होती है मेटालिक स्फीयर अगर वो चार्ज होता है तो। अच्छा, ये ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट करेगा जो फील्ड है जस्ट आउटसाइड, तो इसके जस्ट आउटसाइड जो फील्ड होगा उसके बारे में बात करेगा। सो ई इज फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर और कंडक्टर। सो कंडक्टर के जो जस्ट आउटसाइड फील्ड होती है उसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे आया मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, जिससे आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट भी रिपीट हो जाएगा और रिलेट भी हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए आपको प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और भी प्रिसाइज करें तो फोर्स कौन सा, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है डिवाइड बाय एरिया, सो फोर्स विच इज परपेंडिकुलर। नाउ यहाँ पर अपने को कोई एक सैम्पल एरिया चूज करना होगा, सो लेट्स एक छोटा सा एरिया चूज कर लेते हैं, यहाँ पर ये बहुत छोटा सा, ये इसको डीए या डीएस बोल लेते हैं, डीएस बोल देते हैं। अगर ये स्मॉल एरिया है तो इसके पास अपना चार्ज रहा होगा, इसके पास जो चार्ज रहा होगा उसको डीक्यू बोल सकते हैं। ये जो डीक्यू चार्ज है किसी फील्ड पे रखा होगा, जो फील्ड रखी होगी वो फील्ड को हम यहाँ पर फील्ड बोल सकते हैं, दैट इज लेट्स ए फील्ड ई एग्जिस्ट कर रही है ई, और एक मिनट के लिए इसको ई नॉट नाम दे देंगे तो चलेगा, ई सिंबल अलग रखना चाह रहे हैं, ई नॉट फील्ड है। तो ई नॉट फील्ड कौन सा फील्ड होगा, ई नॉट फील्ड इज द फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट दिस डीक्यू
ऑन दिस स्फीयर, राइट. हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर किसी ग्रेविटेशन में पड़ा था, पिन होल करने वाला केस, ये जो डी क्यू है, ये जो डी एस है, वो बहुत छोटा है. तो स्फीयर में अगर एक छोटा सा होल कर देंगे तो उस होल पर कितना फील्ड आएगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. तो उसके लिए आपको बताया गया था कि अगर आपको होल पर फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इनसाइड की फील्ड यूज करते हो, आउटसाइड की फील्ड यूज करते हो, गोर डिवाइड बाई टू करते हो. सो पॉइंट इज कि ये जो डी क्यू चार्ज है वो किसी फील्ड पे लाइक कर रहा होगा जो बाकी सबकी वजह से आ रहा होगा, तो उसका एवरेज निकालेंगे. परफेक्ट. इनसाइड कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है, तो इनसाइड फील्ड जीरो रहेगा. आउटसाइड पे फील्ड कितना होता है, लेट्स उसका नाम ई दे देते हैं, तो ये ई बाई टू हो जाएगा. और ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप इसको चाहते हो पूरा प्रॉपर्ली लिख सकते हो, एन कैप डायरेक्शन आएगी, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप. ई नॉट भी अपने को पता चल गया. इसका मतलब ये जो डी क्यू चार्ज है, दैट डी क्यू चार्ज इज प्लेस्ड ऑन दिस अमाउंट ऑफ फील्ड, सो हाउ मच द फोर्स इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस, ईजी टू कैलकुलेट. फोर्स हो जाएगा डी क्यू इंटू ई नॉट डिवाइड बाई एरिया. वॉट इज दैट एरिया, एरिया इज डी एस. नाउ सो वॉट द प्रेशर बिकम्स, प्रेशर बिकम्स डी क्यू बाई डी एस इंटू ई नॉट विच इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. वॉट इज दिस डी क्यू अपॉन डी एस, कैन यू थिंक ऑफ डी क्यू अपॉन डी एस इज द चार्ज पर यूनिट एरिया. So, sigma is dq by ds. So, अपने पास प्रेशर का फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. सो प्रेशर कैन ऑल्सो बी गिवन एज अ सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. अब आप चाहो तो सिग्मा को कन्वर्ट कर सकते हो ई के टर्म में, क्योंकि अपने को पता है कि जो ई आउटसाइड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. सो अगर सिग्मा को हम ई एप्सिलॉन नॉट ई लिखते हैं तो प्रेशर कैन ऑल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. बेसिकली इट बिकम्स प्रेशर इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. अब आपको समझ में आ गया होगा ई का मतलब क्या है. ई का मतलब है फील्ड आउटसाइड, और ई नॉट कौन सा था, ई नॉट वॉज द फील्ड एट द होल पॉइंट और जहाँ पर डी क्यू लाई कर रहा था, दैट मीन्स डी क्यू को एक्सेप्ट बाकी सबका. सो आप दोनों याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, उसको भी याद रख सकते हो, कॉपी कर लीजिए. एक बार आपको प्रेशर पता चल गया तो अब इसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रेशर पता है. फोर्स निकालना होगा तो प्रेशर इनटू एरिया कर दो, वहां से फोर्स आ जाएगा. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, दे आर हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस. लेकिन डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो जस्ट आउटसाइड की फील्ड लेता है, जबकि एनर्जी डेंसिटी में जो फील्ड आती है, जितना स्पेस आपका है, सारी फील्ड्स को यूज करते हो, तो उनके एप्लीकेशन का जो डिफरेंस है वो याद रखने का. कई बार ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी बता सकते हो. इसका मतलब है जितने भी मेटालिक स्फीयर्स होते हैं, अगर वो चार्ज होते हैं तो उनमें स्ट्रेस बिल्डअप हो रही होती है, उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो. एनीवे, कंडक्टर की और भी प्रॉपर्टीज पर आते हैं. ये अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले कैविटी स्टफ, माइंड इट कि बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपीयर करता है, बट एक बार समझ में आने के बाद बहुत इजी रहता है. सो इसको हम कुछ ऐसा हेडिंग कर दे रहे हैं, कैविटी, और दूसरा नाम डाल देते हैं इंड्यूस्ड चार्ज. ये ज़्यादा से अच्छा साउंड करेगा, induced charge in case of cavity in a conductor. exam के लिए भी काफी समय तक ये favorable topic रहा है और अभी भी पूछा जा सकता है. so अगर अपने पास एक conductor है, कोई भी conductor है, इसके कुछ rules हैं, मैं explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए. इस कंडक्टर में आपने कोई कैविटी बना दिया. सो अगर आपने कैविटी यहां पर बनाया, लेट मी राइट कि ये कंडक्टर है, तो फिर चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं. कंडक्टर्स में चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं अगर कोई और चार्ज रखा जाता है. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि स्फीयर के बगल में एक चार्ज रख दो, तो प्लस माइनस का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा.
लेकिन टोटल चार्ज जो स्फीयर पे था वो वही रहेगा. मतलब चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज देयर एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग. चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चेंज करता है, टोटल चार्ज वही रहता है. लेट से ये जो कैविटी है और ये कंडक्टर है. अगर आपका कंडक्टर इंसुलेटेड आई मीन लाइक कोई चार्ज नहीं है उसके पास पहले से, दैट मीन्स जितना प्लस है उतना माइनस है, तो फिर जैसा है वैसा भी रहेगा. लेकिन अगर आपने इसको कोई चार्ज दिया, लेट से इसको आपने क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज आपका यहाँ पे लाई कर सकता है क्योंकि ये इसका सरफेस है. और इनसाइड में भी एक सरफेस बन रहा है, ये कैविटी वाला सरफेस है, यहाँ पर भी लाई कर सकता है. कहाँ पर करेगा, कितना करेगा, ये हमको कैलकुलेट करना होता है. तो और फिर अपने पास एक दूसरा तरीका क्या होता है जो कि जनरली पूछता है, वो बोलेगा कि एक चार्ज को आपने इसके कैविटी पे रखा, लेट से क्यू चार्ज रखा, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, तो बताइए कि कितना चार्ज इंड्यूस्ड होने वाला है. तो अपने पास रूल क्या होंगे, आप समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता. इन केस आपने कोई चार्ज इनसाइड रखा है, इसके कितनी फील्ड लाइन्स आएंगी, बिल्कुल आएगी, इसकी वजह से फील्ड्स आएगी सभी जगह पर, बिल्कुल आएगी. फिर हमको ख्याल आएगा कि ये तो मटेरियल है, मेटल है, मेटल के अंदर में तो फील्ड होता नहीं है, तो ये जो फील्ड लाइन्स होंगी ये गलत बनाई गई है, यहाँ पर बीच में हमको फील्ड लाइन्स नहीं दिखाना चाहिए. तो अपने आप को फिर से करेक्ट करेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर अपने को फील्ड को इंश्योर करना है कि जीरो रहे. सो ये कोर पॉइंट होता है कि मेटल के इनसाइड में फील्ड जीरो रहता है. अच्छा, अब आप देखो कि अगर एक कोई गॉसियन सर्फेस चूज करो, क्लोज सर्फेस, लेट से यहाँ पर हम एक क्लोज सर्फेस चूज करते हैं कोई भी जो कि पूरा का पूरा मेटल के अंदर रहता है, इसको मैंने नाम दिया गॉसियन सर्फेस. और इस गॉसियन सर्फेस में हम ई डॉट डी एस करना चाहते हैं या गॉस लॉ लगाना चाहते हैं. यहाँ से आपको लॉजिक बिल्डअप होगा कि किस तरह से चार्जेस आते हैं और क्यों आते हैं. नाउ एज पर द गॉस लॉ वी नो दिस. अच्छा आप बताओ कि जो गॉस लॉ है वो कंडक्टर के इनसाइड में है, तो कैन वी से कि हेयर ई विल बी जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर. सो ई डेफिनेटली जीरो है. सिंस ई जीरो है, दिस विल इम्प्लाई कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर जीरो हो गया तो फिर इंटीग्रेशन करने के बाद भी जीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट को जीरो होने का मांगता. दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन की डिजायर है कि इनक्लोज्ड चार्ज को जीरो आना पड़ेगा. अगर हम इनक्लोज्ड चार्ज को जीरो चाहते हैं तो बट आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो चार्ज क्यों रखा है, इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है. इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्यू चार्ज है तो नट सेल में माइनस क्यू चार्ज इस सर्कल के या फिर इस क्लोज सर्फिस के इनसाइड में जरूर लाई करना चाहिए. फिर हमारे पास एक रूल है कि जो चार्ज लाई करता है वो केवल बाउंड्री पे सरफेस पे लाई करता है, अंदर तो लाई नहीं करता है. तो ये वाले पोर्शन में कहीं कोई चार्ज नहीं लाई कर सकता है. दैट मीन्स जो भी चार्ज लाई करेगा ये कैविटी का जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे लाई कर सकता है. फिर अपने को पता चलेगा कि इस सरफेस पे माइनस क्यू का आना कंपलसरी है, अदरवाइज ये गॉस लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा. और हम लोग जान चुके हैं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, इसकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है. सो इसका मतलब है माइनस क्यू को कैविटी सरफेस पे होना कंपलसरी है. सो व्हेनेवर यू गेट एनी चार्ज इनसाइड अ कैविटी राइट माइनस क्यू ऑन द कैविटी सरफेस. अच्छा ये माइनस क्यू आया कहाँ से होगा, ये कंडक्टर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गया, डिफिशियंसी होगी, तो जो निगेटिव चार्ज आना होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए होंगे. इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो जहाँ से आए होंगे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ करके आए होंगे. क्यों, क्योंकि मटेरियल हमारा न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल रहने वाला है, चार्ज कंजर्वेशन. तो आप पाओगे कि अगर माइनस क्यू अंदर वाली कैविटी वाले सर्फिस पे गया तो आउटर सर्फिस पे प्लस क्यू का आना कंपलसरी है. प्लस क्यू का आना कंपलसरी, वाई, सो दैट कि मटेरियल जो था कंडक्टर उसका टोटल चार्ज कंजर्व रह जाए. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो हम लोग काफी दूर निकल के आ गए ये समझने में कि चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होते हैं. ये जो चार्जेस आ रहे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो पहले चार्ज नहीं थे अब क्रिएट हो गए हैं, इसका मतलब ये चार्ज इंड्यूस हुए हैं. किसकी वजह से इंड्यूस हुए हैं, इस चार्ज की वजह से. अगर आपने कैविटी पे चार्ज नहीं रखा होता तो क्यू इनक्लोज्ड आपका जीरो रहता, एवरीथिंग वॉज हैप्पी. बट अगर आपने कैविटी पे चार्ज रखा, थिंग्स बिकम डिफरेंट. सो
नट सेल में क्या समझ में आया, इन केस देयर इज एनी चार्ज इन द कैविटी इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विल अपीयर ऑन द कैविटी सर्फिस. जितना चार्ज कैविटी सर्फिस पर आया है उसका अपोजिट वर्जन सर्फिस पे मिलेगा, उसका अपोजिट वर्जन सर्फिस पे मिलेगा. अगर इस कंडक्टर के पास पहले से कोई चार्ज रहा होता, लेट्स से इसके पास पहले से क्यू रहा होता, तो ये जो क्यू था वो सर्फिस पे रहा होता, उसके बाद ये प्लस क्यू ऐड हो जाएगा, तो अब इसके पास कितना हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू. सो दैट कंडक्टर का अभी भी टोटल चार्ज कितना रहे, कैपिटल क्यू, क्योंकि ये स्मॉल क्यू और ये माइनस क्यू आपस में ऐड अप करके जीरो हो जा रहे. सो आइदर योर कंडक्टर इज न्यूट्रल, तो फिर जो इनसाइड होगा वो उसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, आउटसाइड भी एग्जैक्टली वही आएगा. अगर उसके पास पहले से कोई चार्ज है तो वो बाहर मिलेगा, तो बाहर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये पॉइंट अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पकड़ना है, जो कि जनरली क्रक्स पॉइंट बनता है एग्जाम में, कि ये जो चार्ज माइनस क्यू आया है ये कहाँ पर होगा. तो आप बोलोगे कैविटी सर्फिस पर होगा, कैविटी सर्फिस में बहुत बड़ा सर्फिस है, कहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट मीन्स कि क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इन केस ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, ये सारी स्टोरीज पूछी जा सकती हैं. दूसरा पॉइंट, आउटसाइड का जो चार्ज होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहाँ पर एक्सिस पर होगा, ये वेदर इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. सो उसके लिए मैं दो पॉइंट्स लिख देता हूँ, उन दो पॉइंट्स को आप अच्छे से समझो और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंड्यूस चार्ज, इन द कैविटी सरफेस इज इक्वल, पहले वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एंड अपोजिट टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी. इसका नोट कर लेना और इसको एज ए रूल याद रखने का. आपसे कई बार पूछ लेता है व्हाई देयर शुड बी माइनस क्यू, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कमिंग, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, तो यू से गॉस लॉ इज द लॉजिक बिहाइंड इट. ये गॉस लॉ की वैलिडिटी के लिए कंपल्सरी है. देन आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, this induced charge is so distributed on the cavity surface that the resultant field, or as I said, that the combined effect of this charge and cavity charge for outside world is zero. काफी पावरफुल स्टेटमेंट है, समझने के बाद आपको रियलाइज होगा जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं. ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंड्यूस चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स फॉर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इन दोनों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहने वाला है. मीनिंग कि इनकी वजह से आउटसाइड अगर आप फील्ड निकालोगे जीरो आएगा, पोटेंशियल निकालोगे जीरो आएगा, कोई और चार्ज रखोगे कोई इंट्रैक्शन नहीं चल रहा होगा. जो इंड्यूस चार्ज होता है वो कैविटी वाले चार्ज को शील्ड कर देता है, इसको कई बार शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं. तो इसको ऐसे शील्ड करता है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बाहर की दुनिया के लिए खत्म हो जाता है. तो बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इनसाइड में कुछ चल रहा है, लोगों का मतलब चार्ज को.
क्योंकि चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सो आउटसाइड चार्ज कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम बिकॉज दे हैव कंबाइंड इफेक्ट जीरो. इस कंडीशन को अचीव करने के लिए ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से बनाता है. तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लगता है. तो उसको कहीं कहाँ पर ज़्यादा चार्ज रखना है, कहाँ पर कम रखना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कैसे इसके इफेक्ट को नलीफाई कर पा रहा है. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई कनेक्शन नहीं होता. कॉपी कर लीजिए स्टेटमेंट. फिर बाहर वाले चार्ज के बारे में बता देते हैं कि बाहर जो आएगा इंड्यूस चार्ज वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता है वरना फिर यहाँ पर स्पेस का इश्यू आएगा. कॉपी कर लिया होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, टू इंश्योर चार्ज कंजर्वेशन equal and opposite charge that of cavity surface appears on the outer surface. तो जो cavity charge पर अभी induced हुआ था उसका equal and opposite outer surface पे appear होता है. किस वजह से लिए, किस point के point of view के को ensure करने के लिए, charge conservation को ensure करने के लिए. तो अगर cavity में Q charge था तो कैविटी सरफेस पे माइनस क्यू आता है और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू आता है. ये स्टेटमेंट बताने की कोशिश कर रहा है. तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर. बाहर वाला जो चार्ज होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रूल वही रहेगा, चार्ज डेंसिटी इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो इनको हम एक एग्जांपल से जज कर सकते हैं. सिंपल एग्जांपल पिक करते हैं. लेट्स हमारे पास मेटालिक स्फीयर है, उसमें से एक स्फेरिकल कैविटी क्रिएट की गई है. उस स्फेरिकल कैविटी में भी सेंटर पॉइंट पर हमने एक सेंटर पे नहीं रखा, इस लोकेशन पर हमने एक क्यू चार्ज को रखा हुआ है और इसके पास जो पहले से चार्ज था वो कैपिटल क्यू था. कैपिटल क्यू की वैल्यू ट्वाइस क्यू है. ये इनिशियली आपको दिया गया. सो व्हाट इज गिवन, कैविटी के इनसाइड में एक चार्ज क्यू रखा गया और कंडक्टर के पास क्यू टू क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू था बेसिकली ऐसा कह सकते हो. तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, अ कंडक्टिंग स्फीयर हैज अ कैविटी एज शोन. Initially, the sphere has or had Q charge. If small Q charge is placed in the cavity
आपको ध्यान से आंसर देने, देन फाइंड नंबर वन और इसको ऐसे लिख दो फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज how to change it find induced charge and its distribution or its nature of distribution number a on the cavity surface so kya aap bata sakte ho ki cavity ke surface par कितना चार्ज जाएगा और किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहा होगा। यहाँ पर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अलग अलग इंडिकेटेड किए गए हैं। स्मॉल क्यू का मतलब है कैपिटल क्यू का मतलब है टू स्मॉल क्यू। सो आपका आंसर आ रहा है स्मॉल क्यू का नेगेटिव वर्जन विद द माइनस साइन, आई मीन नेगेटिव वर्जन एंड नॉन यूनिफॉर्म, राइट। सो माइनस क्यू आप क्लेम कर रहे हो और यूनिफॉर्म भी क्लेम कर रहे हो। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म किसी ने बोला, अभी किसी ने बोला था नॉन यूनिफॉर्म। Okay, I must be visible now. And there's a question again. No, we are on back to the question. So question says ki on the cavity surface, matlab cavity ke inside wale surface mein, of course cavity ke paas ek hi surface hai inside wala, kitna charge induced hoga ye apne ko batana hai. Sir, aapne screen share nahi kiya. What's going on? एक मिनट मैं स्क्रीन को रीशेयर कर रहा हूँ, वो कुछ इशू बन गया फिर से। अभी स्क्रीन आपको आया? Are you able to see the screen now? No, sir. Yeah, I'm representing it. Is it visible to you guys? If yes, we can proceed. No, I'm not getting any feedback. Sir. No, sir. Not visible. Thank you.
वेट अ मिनट देन. ओके मैं शेयर कर रहा हूँ, ये अब तक पहुंच नहीं रहे. स्टॉप रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पर. ये तो वंस मोर ट्राई करता हूँ मैं. हाँ देन रिज्वाइन करूंगा अगर अभी काम कर जाता है तो. हाँ सर आ गई. What was now is there screen in your device? Yes, sir. It was visible. Any improvements now? अभी आपको क्वेश्चन विजिबल हुआ. ओके सो वी कैन प्रोसीड. इसके आपने आंसर्स दिए तो मैं इसको आपको कंप्लीट करके बताता. हाँ वो कब से आ रहे हैं थोड़े से. बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पिक किया था, बहुत सिमेट्रिकल भी है. चार्ज को आपने कैविटी पे रखा हुआ है और ये स्टोरी है. आपसे पूछा जा रहा है पहले वाले पार्ट में कि ऑन द कैविटी चार्ज आंसर आएगा कैविटी के चार्ज पर गॉस लॉ को यूज कीजिए. गॉस लॉ चाहेंगे कि अगर हम जिससे गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि कम्प्लीटली मेटल के अंदर से रहता है तो उस पर फील्ड जीरो आएगा. तो फ्लक्स जीरो को करने के लिए, फ्लक्स जीरो करने के लिए चार्ज को जीरो होना जरूरी है. चार्ज को जीरो होना जरूरी है इसका मतलब इनसाइड में जो चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा. और ये जो माइनस क्यू चार्ज आने वाला है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सो देट कि ये माइनस क्यू का कंबाइंड इफेक्ट क्यू के साथ जीरो हो जाए. तो इसको जो क्लाउडिंग करनी होगी वो इस तरह से क्लाउडिंग करनी होगी इसका कंबाइंड इफेक्ट जीरो हो जाए. कंबाइंड इफेक्ट जीरो तभी कर पाएगा. आप देखो ये जो इस तरफ ये क्लोज बाई है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा इधर है और कम से कम इधर है. तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दैट मीन्स डेंसिटी विल बी मोर टू दिस. और आप ऐसा बोलोगे ये प्लस चार्ज था तो इसने माइनस चार्ज को अपने क्लोज लेके आया होगा बहुत ज्यादा को. और जो बचा हुआ माइनस साइड चार्ज होगा वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो दैट कि अगर कोई यहाँ पर पॉइंट चूज करते हो तो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड आए माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड आए एक दूसरे को नलीफाई कर पाए. तो उसका मतलब होता है कि जिस तरफ चार्ज रखा हुआ वहाँ पर उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी इंड्यूस्ड वाले की और दूसरी तरफ उसकी कम रहेगी. अल्टीमेट आइडिया है कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो जीरो आना चाहिए किसी भी पॉइंट पर कैविटी के आउटसाइड, चाहे वो मेटल के अंदर हो या मेटल के बाहर हो. तो हमारा आंसर क्या आएगा? दिस एंड नॉन यूनिफॉर्म. क्या बता सकते हो कि यूनिफॉर्म एक कंडीशन में आएगा? कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? वो यूनिफॉर्म अचीव करने के लिए ये जो क्यू चार्ज आपने कैविटी के अंदर रखा हुआ है वो अगर स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे रहता तो फिर कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता.
क्योंकि आप जानते हो कि सेंटर वाले चार्ज की वजह से और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दोनों का फील्ड बराबर आता है बाहर, तो वो एक दूसरे को काउंटर कर लेते हैं। तो अगर हमारी कैविटी स्फेरिकल है, चार्ज सेंटर पर है, तो इनसाइड में यूनिफॉर्म आएगा। अगर कैविटी स्फेरिकल नहीं है, चार्ज कहीं और रखा गया है, तो फिर देखोगे मोस्टली वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो ये तो हो गया इस वाले केस के लिए। बी, ऑन द आउटर सरफेस, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ना फिर आंसर देना। ऑन द आउटर सरफेस हाउ मच इंड्यूस चार्ज इज गोइंग टू बी एंड व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गोइंग टू हैव। थ्री क्यू आउटर सरफेस पर है। नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, आई कैन थिंक ऑफ कि आपको पढ़ के डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। रूल्स को मैं एक बार रूल्स को फिर से एलेबरेट कर देता हूँ। क्या रूल है? कैविटी के इनसाइड वाले में, कैविटी सरफेस पे जो चार्ज आता है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि कंबाइंड इफेक्ट को जीरो करना होता है। इसलिए वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा जीरो करने के लिए। आउटर सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है उस पर डिपेंड करता है। क्या आप ये समझ सकते हो कि जो आउटर सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पर बराबर रहने वाली है? एक एक पॉइंट को समझते हैं। बराबर रहने वाली है, इसका मतलब है आउटसाइड सरफेस पे जो भी चार्ज आएगा चाहे वो इंड्यूस्ड हो या फिर आपने दिया हो, सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्म ही रहेगा, ये गारंटीड है। सो आउटसाइड सरफेस पर जो चार्ज रहता है दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इफ इट इज स्फेरिकल इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। ओके, सो पॉइंट इज कि ये यूनिफॉर्म होगा। कितना होगा, क्या पूछा गया है? पूछा गया इंड्यूस चार्ज बताइए। तो अगर आपसे इंड्यूस चार्ज पूछा गया है तो हमने को देखना होगा आउटर सर्फिस पे इंड्यूस्ड कितना होगा। आउटर सर्फिस पे इंड्यूस्ड अगर ये माइनस क्यू है तो आउटर सर्फिस पे प्लस क्यू इंड्यूस होगा जाकर के। सो अगर आपसे इंड्यूस्ड पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कि इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस क्यू। अगर आपसे पूछता है कि आउटर सर्फिस पे टोटल चार्ज कितना है तो टोटल चार्ज विल बी क्यू प्लस क्यू दैट इज थ्री क्यू। सो अपने लैंग्वेज को अपने को समझना होगा। इंड्यूस्ड का मतलब जो कैविटी में चेंजेस होने की वजह से आया। टोटल का मतलब वट एवर वेदर स्केम कमिंग फ्रॉम द इंडक्शन और मे बी फ्रॉम द अदरवाइज जो पहले से था। तो पहले से कितना चार्ज था? ट्वाइस क्यू। इंड्यूस्ड होकर कितना आया? क्यू। टोटल कितना हो गया? थ्री क्यू। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था वॉट इज द इंड्यूस्ड चार्ज। अगर आपसे इंड्यूस चार्ज पूछा जाता है तो फिर हम इंड्यूस चार्ज का आंसर क्यों दे देंगे और क्या आंसर देंगे? यूनिफॉर्म है। एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डेफिनेटली अच्छे से आंसर दे सकते हो। आपको फोकस किस बात पे करना है कि आउटसाइड सरफेस पर जो आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आता है, इनसाइड पर जो आता है वो आउटसाइड की फील्ड को जीरो करने के लिए आता है। बोले, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं सर, वो यूनिफॉर्म कैसे हुआ एक बार बताओ। यूनिफॉर्म कैसे हुआ ये पॉइंट देखो जो इसी स्लाइड पे लिखा हुआ है। टू इंश्योर चार्ज कंजर्वेशन, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दैट इन द कैविटी सरफेस दैट अपीयर्स, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, दैट अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यों जाएगा ये आपको समझ में आता है इंड्यूस वाला। फिर ये इंड्यूस चार्ज कैसा होगा? दिस चार्ज दैट मीन्स जो ऊपर गया है डिस्ट्रीब्यूशन depends on radius of curvature.
और कैसे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आउटसाइड सरफेस पर अगर आपने यहाँ पर रेडियस देखा तो भी आर आएगा, यहाँ पर भी रेडियस देखा तो भी आर आएगा, यहाँ पर भी रेडियस देखा। रेडियस का मतलब सरफेस की रेडियस, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, सभी के लिए रेडियस बराबर होंगे। सो हर लोकेशन पर चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होगा, दैट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ये वही केस है जो लास्ट क्लास में किया था कि स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो आउटर सरफेस में जो अपना कंडक्शन का रूल है वही लगता है, कंडक्टर का रूल है वही लगता है, कैविटी पर नया रूल आता है। कैविटी का रूल क्या है? वो कैविटी के सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को जीरो कराना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गॉस का कंपल्सन है, क्योंकि अगर ये उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो फिर यहाँ की जो फील्ड है उसको जीरो इंश्योर नहीं कर पाएगा, और हमको चाहिए हर पॉइंट पे जीरो फील्ड इंश्योर्ड हो, तो इसलिए उसको अकॉर्डिंगली चेंज होना होता है। समझ में आया यूनिफॉर्म कैसे? मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उस पर आप आंसर बताने की कोशिश करें। एग्जाम के लिए काफी फेवरेबल रह चुका है और अभी भी कई बार वो पूछते हैं, बहुत सारे रूल्स की जरूरत पड़ती है। अभी हम लोगों ने एक स्फीयर लिया हुआ है और उस स्फीयर में दो कैविटी बनाए जा रहे हैं, और ये इसका मेटालिक वर्जन है, मेटल स्फीयर है, कंडक्टर है बेसिकली। इसके एग्जैक्ट सेंटर पर आपने माइनस क्यू चार्ज दिया है, इसके यहाँ पर कहीं आपने 3Q चार्ज दिया है, बाकी कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल कंडक्टर है। सो कंडक्टर हैज नो चार्ज। आप देखोगे ना, ये जो चार्ज है वो कैविटी में, कंडक्टर में नहीं है, कंडक्टर के इनसाइड है कैविटी, उस पे चार्ज है। तो कंडक्टर की बॉडी पे कितना चार्ज है वो आपको इनिशियली बताएगा, जैसे इस केस में बता रहा है कोई चार्ज नहीं है। फाइंड, मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ, आपको आंसर देना है। इस कैविटी का नाम कैविटी नंबर 1 बोल देते हैं, इस कैविटी का नाम कैविटी नंबर 2 बोल देते हैं। पहला क्वेश्चन, चार्ज ऑन कैविटी सरफेस 1, चार्ज भी बताना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। स्फेरिकल कैविटी है, पहला कैविटी स्फेरिकल है, वो एलेबरेट करके बोलेगा, और चार्ज उसके सेंटर पे दिया गया है ये भी बताया जा रहा है आपको। सो चार्ज हैज बीन प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ कैविटी, वी नीड टू फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन द सर्फेस बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाई डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वेक्टर इतना ज्यादा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इमीडिएटली निकलता है। सो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एंड हाउ मच, एक आंसर आया है प्लस क्यू यूनिफॉर्म। क्या सभी लोग प्लस क्यू यूनिफॉर्म समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमारा पर्पस पूरा होता नजर आ रहा है। तो आप बोलोगे यस, प्लस क्यू आएगा, प्लस क्यू आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तभी वो कैंसिल आउट कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर पर रखा हुआ चार्ज यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैंसिल आउट किया जा सकता है। सेंटर पर है, यस सेंटर पर है, दिस इज एट द सेंटर, देखने में भी लग रहा है और वो बोल भी देगा। बी, सेम चीज आपको रिपीट करनी है कैविटी 2 के लिए, चार्ज ऑन कैविटी 2, सेकेंड कैविटी पर जो चार्ज आएगा वो कैसा रहेगा, कितना रहेगा, कैसा रहेगा? सो अब बोलोगे कि इक्वल एंड अपोजिट, सो लेट्स मेक अपोजिट, दैट्स माइनस क्यू। यहाँ तक तो सभी को डाइजेस्ट हो जाता है,
फिर अपने को बस अगला पॉइंट डाइजेस्ट करना होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. आप देखो ये कैविटी रैंडम है तो वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो क्यों सिमेट्रिकल लोकेशन पे हो नहीं पाएगा. रैंडम ज्योमेट्री के लिए सिमेट्रिकल लोकेशन नहीं बन पाएगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तभी ये दोनों मिलकर के बाहर की दुनिया के लिए इन्फ्लुएंस नहीं दे पाएंगे. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, आपने सुना होगा और मैं भी बता भी दूंगा. तीसरा है चार्ज ऑन स्फेरिकल सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर. जो स्फीयर है, स्फीयर के आउटर सरफेस पे बेसिकली उसके सरफेस पे कितना चार्ज होगा और किस नेचर का होगा, दोनों बातें बतानी है. एक माइनस टू क्यूब और यूनिफॉर्म बताया जा रहा है. तो इसके पास कोई चार्ज पहले नहीं था, तो अभी भी कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, अभी भी कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए. लेकिन आप देखोगे ये जो कैविटी है वो स्फीयर की है, ये जो कैविटी है वो भी स्फीयर की है. तो कितना चार्ज आ चुका है इसके पास, क्यू और माइनस टू क्यू आ चुका है. इसका मतलब क्यू और माइनस थ्री क्यू आ चुका है. इसका मतलब है कि आप ऐसे भी समझ लो, इसका क्यू आया था तो यहाँ पर माइनस क्यू आया होगा, इसका थ्री क्यू आया था माइनस का तो प्लस का थ्री क्यू आया होगा. या फिर आप देख लो कैविटी पे कितना है और अपने को जीरो मेंटेन रखना है क्योंकि उसके पास जीरो रहेगा चार्ज कंजर्वेशन. तो कैविटी पर बढ़ गया माइनस टू क्यू, तो बाहर कितना आना चाहिए, टू क्यू प्लस का टी क्यू. तो इन दोनों को जब आप एडअप करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास टू क्यू. तो आउटर सर्फेस पे जो रहेगा वो टू क्यू रहेगा, माइनस टू क्यू नहीं, माइनस टू क्यू रखोगे तो फिर कैविटी और आउटर को मिला करके ज्यादा हो जाएगा. इनिशियली जीरो था तो अपने को जीरो रखना है, चार्ज कंजर्वेशन. सो 2q इन द आउटर सरफेस. अब आप देखोगे टोटल चार्ज कितना है स्फीयर पर, 2q अपसाइड है और q इनसाइड है, माइनस 3q इनसाइड है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, जीरो. तो इनिशियली जीरो था, फाइनली जीरो है, तो जीरो है, इसलिए 2q आना जरूरी है. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आप सही बता पा रहे हो, यूनिफॉर्म होगा. क्यों? क्योंकि आउटर वाला किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है. सो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा. अगर आप रेडी हो गए हो इसको समझ करके तो एग्जाम जैसा क्वेश्चन मैं आपको बताता. तो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड पे अगर आप चार्ज रखते हो, चाहे वो कैविटी हो या फिर हॉलो कंडक्टर स्फीयर हो, कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, तो उसके कंडक्टिंग सरफेस जो कैविटी पर होता है उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है और फिर कंडक्टर का चार्ज कंजर्व रहता है. ये दो क्रक्स पॉइंट हैं, उन्हीं दो पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है. कैविटी वाले सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ दी कैविटी चार्ज, और फिर इसके बाद कंडक्टर पर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल था वही फाइनल रहेगा. साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि चार्ज कंडक्टर पर केवल और केवल सर्फेस पर रहते हैं, बल्क में इनसाइड में नहीं रहते हैं. सो ये इनको यूज करके आप आंसर दे सकते हो. Now, आप लोगों ने सुना होगा उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जा रहा है, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ. आपने जो सुना होगा जो लाइटनिंग होती है, अभी रेनी डेज आ जाते हैं तो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है. कई बार बोलते हैं कि लाइट बिजली गिर गया है, तो इसका पीछे लॉजिक क्या है, वो चार्ज का है, पोटेंशियल क्या है, वो भी हम लोग बात कर लेंगे. किस तरह से हम बोलते हैं कि आपका लाइटनिंग हो रही है, अभी हम लोग डायलेक्ट्रिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे किस तरह से लाइटनिंग होती है. लेकिन आपने ये न्यूज में सुना होगा कि वो वहां पे बिजली गिरी और ये सब कैजुअलिटीज हो गई एंड ऑल दैट. उसको बचाने के लिए हम कई सारे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि रूफ पर एक वायर को निकाल देते हैं, ग्राउंड से टच कर देते हैं. क्यों करते हैं अभी आगे आप समझोगे जब हम ग्राउंडिंग करने वाले हैं. एक और पॉइंट होता है कि अगर कभी आप कहीं पर हैं और लाइटनिंग हो रही है और बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है सिचुएशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी मेटल का बॉक्स ले लो, मेटल का, और मेटल के बॉक्स के इनसाइड में आप बैठ जाओ. आप पाओगे कितनी भी लाइटनिंग होती रहे, कितनी भी लाइटनिंग होती रहे, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एज लॉन्ग एज दिस इज अ कंडक्टर.
ये लोग सजेस्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि आप कार के अंदर बैठ जाओ, लाइटनिंग हो रही है, कार को बंद कर लो, पूरी तरह से मेटल का होता है मोस्टली ये, तो आप सेफ रहते हो। वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है, वजह ये है कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ये कंडक्टर है लेट से, आप उसकी कैविटी पर हो, ठीक है ना, कैविटी के इनसाइड में जो भी चार्जेस आएंगे, चार्जेस आपस में इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस तरह से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कि इसका आउटसाइड के चार्जेस से कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला है। जो लाइटनिंग होती है ना, वो बेसिकली चार्ज का फ्लो होता है, ब्रेक डाउन होता है, एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है, उस ब्रेक डाउन की वजह से वो चार्ज एयर कंडक्टर का काम करने लगती है, एयर पे चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होता है, तो बहुत सारा चार्ज आ रहा होता है, और आने के बाद अगर जैसे वो कंडक्टर से टकराएगा तो कंडक्टर के इनसाइड नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि इनसाइड फील्ड जीरो है, और ये कैविटी शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रही होती है। तो आप पाओगे कि दिस विल बी सेफ बिकॉज प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो कॉम्बिनेशन है वो बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं करता है चार्ज का, तो ये भी बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं करेगा चार्ज का। सिंस ये चार्ज का कोई इंट्रैक्शन नहीं कर रहा, इसलिए जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला था वो बच जाएगा। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट है, तो करंट लगा मतलब शॉक लगा, शॉक करने से कैजुअलिटीज होती हैं, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। सो अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि कैन वी बिकम सेफ व्हेन वी आर इनसाइड अ मेटल बॉक्स और व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग, यू से यस, तो लोगों को ये आप ज्ञान दे सकते हो कि ये सेफ करने का एक तरीका है। चार्ज को ग्राउंड करने एक दूसरी स्टोरी है, वहां से भी अपना काम चलता है, लेकिन अगर आप मेटल के इनसाइड पे हो तब भी शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कोई भी फील्ड इनसाइड नहीं जा सकती, कोई भी चार्ज इनसाइड आपको हार्म करने के लिए नहीं जा सकता मेटल के इनसाइड से, क्योंकि वो कैविटी का बात कर रहा है। अगर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक और फायदा हो जाता है कि वो जो चार्ज आ रहा था उसको एक रास्ता दिखा दिया तो फिर वो चला जाएगा, फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो ग्राउंडिंग एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी हम ग्राउंडिंग के बारे में फोकस नहीं थे, अभी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में थे कि मेटल के इनसाइड में भी आप सेफ रह सकते हो। एनीवे, मैं आपको एक अगला क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ लिखा है। देखो क्या होगा कि ऐसा आपसे बोलेगा कि अपने पास लेट से ये मेटालिक स्फेरिकल शेल है, एक और मेटालिक स्फेरिकल शेल है, छोटा ही लेते हैं अभी, दो को लेते हैं, इसके बाद आप 3, 4, 5 जितना भी लगाएगा लगा देंगे। इसके सेंटर पॉइंट पर आपने एक चार्ज रख दिया है जिसका नाम है क्यू, इसको आपने चार्ज दिया था -2Q, इसको आपने चार्ज दिया था 3Q, ये आपके चार्ज इनिशियल चार्जेस है। रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका रेडियस a दिया गया है, एनालिसिस से कि ये जो बाहर वाला है उसका रेडियस ट्वाइस a अब भी दे दिया गया, अलग अलग नाम दे देते हैं। ये मेटलिक स्फेरिकल शेल्स है, तो टू कंडक्टिंग सेल्स आर प्लेस्ड एट द सेम सेंटर और कॉन्सेंट्रिक प्लेस किए गए। इनिशियली चार्ज आपको दिया गया है, फाइंड फाइनल चार्जेस on all the surfaces। एग्जाम में कई बार पूछ लेता कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, कि किस सरफेस पर कितना चार्ज डेंसिटी है ये बताइए, या फिर चार्ज बताइए, वो अपने को बताना होता है। ऑल द सर्फेसिस का मतलब हुआ कितने सर्फेस हैं, पहले हम लोग चेक करेंगे, वो किसी एक से पूछ सकता है। आप देखोगे जो इनसाइड वाला स्फेरिकल शेल है उसका एक इनसाइड सरफेस होगा, उसको हम 1 नाम दे सकते हैं, उसका आउटसाइड सरफेस होगा उसको 2 नाम दे सकते हैं। सेकंड स्फेरिकल शेल का इनसाइड सरफेस होगा, आउटसाइड सरफेस होगा, तो बेसिकली अपने पास ये 4 सर्फेसिस हैं। आपसे ये जानना चाह रहा है कि 4 सर्फेसिस पर चार्ज कितना कितना है ये बताइए। एक बार चार्ज पता चल जाएगा तो हम चार्ज डेंसिटी पता कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद Q1, हाउ मच द Q1 इज गोइंग टू बी। सो ये जो स्फेरिकल सेल्स हैं बेसिकली मेटल है विद कैविटी, कैविटी थोड़ी सी बड़ी है तो वो मेटल है विद कैविटी, जो कैविटी वाला नॉर्म हम लोगों ने रन किया बस वही सारे रूल्स आपको लगाने हैं।
Can you find out, anybody can guess, how much the charge on the first surface, which is shown in the figure, is going to be finally after redistribution? Initial charges were given to you. I'm just trying to see कि क्या आप उसको relate कर पाओगे अभी जो आपने learn किया. ओके तो आप इसको, ये थिन है लेकिन ये मेटल है, तो आप अभी भी वही रूल लगा सकते हो कि लेट से किसके इनसाइड का जो चार्ज था वो Q1 था, और आप इस पर एक गॉस लॉ ले लो, मैं इस बिगनिंग से बता देता हूँ, जिसमें गॉसियन सरफेस जो है वो केवल और केवल स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, यानी मेटल पे लाई कर रहा है, तो वो चाहेगा कि टोटल फ्लक्स जीरो है. टोटल फ्लक्स जीरो तभी हो पाएगा जितना चार्ज इस पर क्यू है उसका अपोजिट चार्ज उसके सरफेस पे रहे. तो आप पाओगे कि इक्वलेंट अपोजिट चार्ज हैज टू बी ऑन द सरफेस वन, सो Q1 मस्ट बी माइनस क्यू. सो Q1 पर वन पर कितना चार्ज आएगा वो इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कैविटी के अंदर कितना चार्ज दिया गया उस पर डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि उसको गॉस लॉ को वैलिड रखना है. So equal and opposite charge comes on the cavity surface. So one will behave like cavity surface of first sphere. Or surface two will behave like outer surface of the first sphere. So minus Q is a correct answer. Minus Q is a correct answer. Now, can you guess or identify how much the charge two surfaces is going to carry? So वही rule है. आउटर सरफेस पे वो चार्ज जाएगा जो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा होगा. तो चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे वन का चार्ज, कैसे बोलेंगे, वन का चार्ज प्लस टू का चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द ओरिजिनल टोटल चार्ज. ओरिजिनल टोटल चार्ज वाज माइनस टू क्यू. कैन वी से कि Q1 तो अपने को पता चल गया है हाउ मच, माइनस क्यू. Q2 अपने को पता करना है और ये माइनस टू क्यू के बराबर है, तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू आ जा रही है वो अपने को पता चल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी माइनस क्यू. सो जो माइनस टू क्यू चार्ज था इनसाइड वाले स्फेरिकल शेल में वो माइनस क्यू में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा उसको कन्वर्ट करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उसके कुछ कंपल्सन हैं, जैसे गॉस लॉ को फॉलो करना है, मेटल के इनसाइड में फील्ड को जीरो करना है, तो उन सब को फॉलो करने के लिए ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. दोनों पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ. इनसाइड वाले सरफेस पे कैसे आ रहा है वो कैविटी वाला चार्ज, आउटसाइड सरफेस पे कैसे पता चल रहा है टोटल चार्ज. समझ में आया? अब हम थ्री पे आते हैं, Q3. जब हम थर्ड पे पता करेंगे तो हम ये देखेंगे थर्ड के बाद ये जो इसमें कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, वही सारे लॉजिक को आप फिर से रिपीट कर लो, या फिर आप देखो कि सेकेंड सरफेस पे कितना था, माइनस क्यू. अगर ये माइनस क्यू था तो इसका इक्वल एंड अपोजिट इस पे आएगा, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा. तो इस तरह से हम याद रख लेते हैं कि अगर क्यू सेंटर पे था तो माइनस क्यू यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर चार्ज कंजर्वेशन से आउटर पे देख लिया, आउटर पे कितना मिला, आउटर पे हमको माइनस क्यू मिला, तो फिर जो आउटर पे था इसके अंदर वाले के तो बाहर वाले के इनर पर उसका अपोजिट आएगा. सो Q3 की वैल्यू प्लस Q हो जाएगी. या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस ले लो, टोटल चार्ज इनसाइड काउंट कर लो, वहां से भी वो मैच करेगा. फिर Q4 कैसे कैलकुलेट करोगे, आउटर सरफेस वाला, सबका आउटर, तो उसके लिए चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, 3 का प्लस 4 का मस्ट बी इक्वल टू 3Q. 3 कितना है अपने पास, 3 तो क्यू था, 4 पता करना है, 4 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी. सो Q4 की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस क्यू. सो फाइनली आपको चारों सरफेस पे जो चार्जेस मिलेंगे, इनसाइड वाले में मिलेगा माइनस क्यू, फिर दूसरे में माइनस क्यू, फिर तीसरे में क्यू, चौथे में 2Q, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. वो एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि बताइए आउटर सरफेस के, आउटर स्फेरिकल शेल के इनर सरफेस पे कितना होगा. तो आउटर स्फेरिकल शेल के इनर सरफेस मतलब 3 के बारे में बात कर रहा है, तो 3 का वैल्यू क्यू है. चार ऑप्शन दिए होंगे, राइट ऑप्शन आपको कैच करना होगा. इसके बाद अगर कभी डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ जाए, जैसे आपसे बोले कि फर्स्ट में कितना चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा 1 निकालिए,
तो सिग्मा वन कितना आएगा, क्यू वन डिवाइड बाई एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया इज गोइंग टू बी 4πa² क्यू वन कितना था माइनस, तो ये बनेगा माइनस क्यू अपॉन 4πa² दस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर मोस्ट सरफेस। सिमिलरली हम सिग्मा टू निकाल सकते हैं, सिग्मा थ्री निकाल सकते हैं, सिग्मा फोर निकाल सकते हैं। नाउ रेडियस, जैसे ए रेडियस है वो इनसाइड के, इनसाइड वाले स्फीयर के लिए काम करेगी, उसका इनर सरफेस हो या आउटर सरफेस हो दोनों के लिए, क्योंकि थिकनेस निग्लिजिबल है। तो इनर के लिए हम इनर स्फीयर के लिए ए यूज करेंगे, आउटर स्फीयर के लिए भी यूज करेंगे। कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई कंसर्न नहीं आ रहा हो तो फिर हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, उसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे आंसर क्विकली दे देंगे, करेक्टली दे देंगे। अगर ऐसा है तो फिर हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पिक करेंगे कंडक्टर्स में। नेक्स्ट एग्जांपल और क्वेश्चन, व्हाटएवर यू नेम इट, वो एग्जाम में क्या करता है, बहुत सारे स्फीयर्स बना देता है जस्ट टू मेक यू अफ्रेड कि ये सब क्या करने वाला है। बट अगर आपको लॉजिक पता है तो यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड एट ऑल। बोलेगा कि ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, मेटल के बने हुए हैं और सभी की रेडियस वगैरह दे रखी है और ये कंडक्टर्स हैं। पहली बात तो कंडक्टर्स हैं, दूसरा कॉन्सेंट्रिक है, मेटल के शेल्स हैं। चार्जेस इनिशियली दिया गया, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, इसके पास टू क्यू चार्ज है, इसके पास क्यू चार्ज है, ये इनिशियल चार्जेस है। आपको सरफेस बताएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप नेम कर सकते हो। आप सभी सर्फेसिस पे आने वाले टोटल चार्ज को पता कर सकते हो। फाइनली हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन सरफेस 5, फिफ्थ सरफेस जो दिख रहा है आपको जहां पर भी है, हाउ मच द फाइनल चार्ज ऑन द फिफ्थ सरफेस इज गोइंग टू बी, द सवाल क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। सर सेंटर सेंट्रल चार्ज नहीं दिया है, सेंटर पे चार्ज नहीं है, देयर आर ओनली चार्जेस दैट हैव बीन शोन माइनस क्यू टू क्यू और क्यू, देयर इज नो चार्ज एट द सेंटर। क्यू फाइव की वैल्यू आपको बतानी है, ट्राई करें, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, और अदरवाइज मैं क्विकली आपको बता सकता हूँ। माइनस क्यू एक आंसर आ रहा है, ओके सपोर्ट भी हो रहा है, ओके सो सभी का माइनस क्यू आ रहा है, इसका मतलब है या तो सभी लोगों ने सही से लर्न किया होगा या फिर सभी ने गलत लर्न कर लिया होगा। सो आई डोंट नो कि क्या आंसर है, हम चेक करके ही बता सकते हैं। सो लेट्स चेक इट, कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं सारे स्टेप्स लिख देता हूँ। फिर से अपने को क्यू वन चाहिए, वन से स्टार्ट करेंगे, हमेशा डाउन साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहीं से डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा। डायरेक्टली के लिए क्या बोलोगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ले लो, टोटल चार्ज इनसाइड होगा वही आ जाएगा बिल्कुल। और पहले हम पॉइंट वाइज चल लेते हैं सो दैट कि बाकी सब याद पता चल जाए। अब बोलोगे कि अगर हम गॉसियन सरफेस इस वाले कंडक्टर के ऊपर लेते तो वो इनसाइड की फील्ड को जीरो बताता है, तो ये चार्ज को जीरो बताता है, तो यहाँ पे जीरो चार्ज है, इसको अंदर कैविटी पे जीरो आएगा, तो क्यू वन की वैल्यू अपने को जीरो लिखने का। कैविटी में चार्ज नहीं है तो इनसाइड वाले सर्फेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए था। फिर Q2 कितना होगा, सेकेंड पर, सेकेंड पर जो चार्ज आएगा वो इसके चार्ज कंजर्वेशन से आ जाएगा, चार्ज कंजर्वेशन से वो माइनस क्यू आ रहा है। अगर ये माइनस क्यू आया तो Q3 पे कितना आएगा, Q3 पर जो आएगा इक्वल एंड अपोजिट आएगा 2 का, तो नेक्स्ट सरफेस पे जो नेक्स्ट फेस पे आता है ना,
इक्वल एंड अपोजिट रहता है, इसका मतलब दो अपोजिंग फेसेस जो होते हैं ना इक्वल एंड अपोजिट लेके चलते हैं। तो क्यू थ्री को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये क्यू आने वाला है। क्यू फोर के लिए चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो चार्ज कंजर्वेशन में इसमें कितना था, टू क्यू था, टू क्यू में से एक क्यू चला गया, एक क्यू चला गया तो उसके पास एक क्यू बचा होगा। तो क्यू फाइव पे कितना होगा, अपोजिट फेसिंग है, माइनस क्यू आ जाएगा। आउटर फेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू इधर आ चुका है तो उधर टोटल क्यू होना चाहिए था, तो क्यू सिक्स कितना हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा। अब आप देखोगे चार्ज कंजर्वेशन है और गॉस लॉ भी हैप्पी है, तो दोनों को मिला करके अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जनरली हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे कि ये जीरो होगा, ये माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू का अपोजिट तो प्लस क्यू आएगा, प्लस क्यू और इसको क्यू बनाने के लिए, टू क्यू बनाने के लिए क्यू आएगा, फिर यहाँ पर माइनस क्यू आएगा तो यहाँ पर टू क्यू आ जाएगा। ये आपके फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। नट सेल में रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि अपोजिट फेसिंग विल हैव इक्वलेंट अपोजिट चार्ज, दैट्स द पॉइंट। तो हर अपोजिट फेसिंग पर आपको इक्वलेंट अपोजिट करना होता है, ये गॉस का क्रक्स पॉइंट है। आपसे क्यू फाइव पूछा गया था, क्यू फाइव का ही आंसर हो जाएगा, सो दैट्स योर आंसर। माइनस क्यू सभी का करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब आप इस तरह इक्वेशन को आप डील कर ले जाओगे। अब इसमें और भी चेंजेस आते हैं, किस तरह से चेंजेस आते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट सबको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करता है जो अपोजिट फेसिंग सर्फेसिस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेके आता है। हम इन साइड से स्टार्ट करते हैं और बाहर की तरफ बढ़ते रहते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, आप आउटर वाले स्फीयर पर एक गॉस लॉ बनाते हैं, गॉसियन सर्फेस। आपको पता होगा कि वहाँ पर फील्ड जीरो आएगी तो इनक्लोज चार्ज जीरो रहता है। इनक्लोज चार्ज में कितना आता है, ये टू क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो दोनों का मिलाकर कितना गया इनक्लोज्ड, प्लस क्यू। अब आपको माइनस क्यू फाइव पे लाना पड़ेगा सो दैट कि टोटल जीरो हो जाए। सो आप डायरेक्टली भी उसको स्ट्राइक कर सकते हो और इनसाइड से भी जा सकते हो, आंसर आपको सेम आने वाला है। सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स पे यूज कर लेता है, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार आपको बुक्स में दिखेंगे, एग्जाम में भी आते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वो रॉड्स बना देगा, मेटालिक रॉड्स, और बोलेगा इसके पास चार्ज क्यू है, इसके पास चार्ज माइनस टू क्यू है, ये कोई और नंबर है, और ये लार्ज प्लेट्स हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ऑल द फेसेस। कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, सो दैट कि आप समझ जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये जो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग लार्ज प्लेट्स। सिंस ये लार्ज प्लेट्स है ना, तो यहाँ पर भी गॉस का रिक्वायरमेंट क्या आएगा, गॉस का रिक्वायरमेंट आएगा जो अपोजिट फेसिंग सर्फेसिस होंगे ना, एक दूसरे को फेस करने वाले सर्फेसिस होंगे, दे मस्ट कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सो जब कभी कंडक्टिंग फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, लार्ज डायमेंशंस के रहे होंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना गारंटीड होता है। ये गॉस लॉ का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, क्यों गॉस लॉ का रिक्वायरमेंट ऐसा आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने से पहले ये मान लेते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट सोल्यूशन लाइक दिस। सोल्यूशन के लिए हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर चार्ज क्यू रहा होगा, लेट से एक मिनट के लिए। अगर यहाँ पर क्यू रहा होगा तो यहाँ पर माइनस क्यू आना गारंटेड है। तो इनर फेस का एक को अज्यूम करेंगे, दूसरा फेसिंग सरफेस को पता चल जाएगा। अब ये इंडिविजुअल कंडक्टर्स हैं तो इनके अपने चार्ज कंजर्वेशन रहेंगे। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होगा ये जो चार्ज बचेगा वो क्यू माइनस क्यू बचेगा, सो दैट की टोटल चार्ज यही है इस फेस पे। यस एक डाउट था, जैसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसको अगर इनफाइनिटली लॉन्ग रहा तो उसको हम एक सेमी सर्कल कंसीडर कर सकते थे, लेकिन वैसे ही हम अगर इनफाइनिटली एक एरियल वाला इनफाइनाइट प्लेट रहा तो उसको हम क्या हम हेमिस्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, हेमिस्फेरिकल शेल। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था शॉर्टली कि अब देखो अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेट होगा ना, उसको आप फोल्ड करके अगर हेमिस्फीयर जैसा बनाना चाहोगे तो दोनों की फील्ड्स अलग अलग आती हैं। आपने देखा था प्लेट्स की वजह से जो फील्ड आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कुछ आया था, इजंट इट। जबकि जब हेमिस्फीयर बन जाता है तो हेमिस्फीयर के सेंटर में भी हम लोगों ने निकाला सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट आता था, तो वो कोरिलेट नहीं हो पा रहे,
जबकि लाइन और सेमी सर्कल का कोरिलेट हो गया था फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट लाइन का जो फील्ड आया था वो 2k लैम्डा पर आर आया था और सेमी रिंग का जो सेंटर पे आया था 2k लैम्डा बाय आर आया था, तो इसलिए हमने उसको रिलेट कर दिया था। लेकिन इनफाइनाइट शीट और हेमिस्फेरिकल शेल दोनों की फील्ड्स में डिफरेंस आता है, तो इसलिए वहाँ पर कोरिलेट फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं कर सकते, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक क्यू एज्यूम करेंगे, एक माइनस क्यू एज्यूम करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, तो ये कंडीशन बन जाएगी। और इस पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा माइनस टू क्यू प्लस क्यू। पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर वो ऐसा शॉर्टकट कैसे आया उसके बारे में बात कर लेंगे। सो स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी एक फेस से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से अपने पास फेसेस कितने हैं, फेसेस के नाम दे सकते हो, ये वन फेस है, ये टू फेस है, ये थ्री फेस है, ये फोर फेस है। सिंस ये इनफाइनाइट है थिन है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेस है वो केवल यही है, थिकनेस इज इग्नोरेबल, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब हमको फर्स्ट का चार्ज पता चल गया, सेकंड का पता चल गया, थर्ड का पता चल गया, फोर्थ का पता चल गया, अभी कम्प्लीटली पता नहीं चला है। एक चीज अननोन है, कौन सी, एक क्वांटिटी स्मॉल क्यू। अगर कहीं से हमको स्मॉल क्यू पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। नाउ हाउ टू गेट दिस स्मॉल क्यू, इस स्मॉल क्यू को गेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन अभी है। क्या कंडीशन है, कोई भी पॉइंट चूज करेंगे मेटालिक बॉडी के अंदर, कोई भी पॉइंट, और यहाँ पर हम सभी फेसेस की वजह से अगर फील्ड कैलकुलेट करते हैं सभी फेसेस की वजह से, तो आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पर फील्ड का जीरो आना गारंटीड होना चाहिए, क्योंकि वो मेटल के अंदर है। इससे अपने को एक कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अपने पास एक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है। अल्टीमेटली उस कंडीशन को जब आप यूज करोगे तो क्या निकल के आएगा, कि जो आउटर फेसेस के चार्ज है ना उनको इक्वल होना पड़ेगा। सो डायरेक्टली लिखूंगा तो शायद आपको उतना कम अच्छा लगे, तो मैं एक पॉइंट चूज कर ले रहा हूँ पी, इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहूंगा, ये पी पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और पी पर फील्ड निकालना चाहेंगे। आप देखोगे वन की वजह से जो फील्ड आएगी तो वो इस तरफ आएगी, क्योंकि वन ये चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो इसलिए ई वन आएगा वन की वजह से। टू चार्ज की वजह से किधर आएगा, टू के ये राइट सॉरी वन के ये राइट साइड था, ये वन है उसके राइट साइड पी पॉइंट था, टू के लेफ्ट साइड पे पी पॉइंट है, तो ये इधर आएगा, टू पॉजिटिव दिख रहा है तो ये ई टू हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड की वजह से जो फील्ड आएगी वो टू वर्ड्स थर्ड आएगी क्योंकि वो निगेटिव है। फोर्थ की वजह से देखते हैं, तो फोर्थ को अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो पॉजिटिव की वजह से ये इधर चला जाएगा, ये ई फोर हो जाएगा। फोर को हम पॉजिटिव, सभी को पॉजिटिव कंसिडर किए जो एक्सक्लूसिवली माइनस ना हो तो। अच्छा अब आप देखोगे कि ई वन ई टू क्या होते हैं, प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एरिया तो सबके बराबर है, चार्ज के देखेंगे टू और थ्री के चार्ज बराबर है और फील्ड अपोजिट है टू और थ्री, तो आप पाओगे कि ये टू और थ्री के फील्ड जो होंगे इंड्यूस्ड वाले या फिर जो अपोजिट वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो टू और थ्री विल गेट कैंसल्ड आउट ऑलवेज। इसका वाला हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, सिंस वी वॉन्ट फील्ड का वैल्यू मेटल के इनसाइड में जीरो, विल इम्प्लाई कि वन का फील्ड और फोर का फील्ड आपस में बराबर आना चाहिए। फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर करेंगे, इसका मतलब चार्ज डेंसिटीज बराबर आना चाहिए। सो दिस विल इम्प्लाई कि चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकेंड, सॉरी ये लास्ट फोर्थ जिसको बोला गया, आउटर वाले दोनों आउटर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका फर्दर मतलब ये निकलेगा क्योंकि इनके एरियाज बराबर हैं और बड़ी सी प्लेट्स है, तो इसका मतलब आएगा कि जो वन का चार्ज आएगा और वो जो लास्ट का चार्ज आएगा इनको आपस में बराबर करने का। सो अपने को कंडीशन क्या याद रखनी है, जबकि मल्टीपल प्लेट्स हों आप स्टार्ट कीजिए चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर इसके बाद एक ये कंडीशन जरूर लगा दीजिए, दैट मीन्स चार्ज ऑन दी आउटर सर्फेसिस आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल। जैसे आप ये लगाएंगे तो अपने को इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्यू माइनस स्मॉल क्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस टू क्यू प्लस क्यू। As soon as you equate them, you will find कि twice Q की जो value आ रही है, that is going to be equal to 3Q. Calculation आप चेक कर सकते हो। Small Q की value आ रही है 3Q by 2. इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि small Q must be 3Q by 2 for the purpose to ensure the field inside the conductor zero. वो पॉइंट आप यहाँ पे चूज करो, यहाँ पे चूज करो, यहाँ पे चूज करो, कहीं भी चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल यही आएगा। So now we are able to find all the charges. Q1 कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू है Q माइनस Q, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस Q बाई टू बन जाएगा।
Q2 की वैल्यू कितना है, वो तो डायरेक्टली निकल के आया 3Q/2। Q3 की वैल्यू कितना है, वो माइनस वर्जन होगा इसका, इक्वल एंड अपोजिट वाला। Q4 की वैल्यू क्या होगी, Q4 की वैल्यू Q1 के बराबर होगी, तो -Q/2 हो जाएगी। अब आप देखोगे कि आपका चार्ज कंजर्वेशन वैलिड हो रहा होगा, फर्स्ट टू को ऐड करोगे तो Q के बराबर आएगा, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो फिर -2 के बराबर आएगा। चार्ज कंजर्वेशन इज देयर, गॉस लॉ इज हैप्पी, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सिमिलर टाइप का, उसके आप अगर आंसर बता दोगे अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। नो मैटर कितनी प्लेट्स देता है, आप एक से स्टार्ट करोगे चार्ज कंजर्वेशन लगाते हुए और इक्वल एंड अपोजिट लिखते हुए आगे चले जाओगे, फिर इनिशियल और फाइनल को बराबर कर दोगे चार्जेस को एज पर द रिक्वायरमेंट, आपका आंसर आ जाएगा। सभी फेसेस के चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। सर यस सर, वो क्यू और माइनस क्यू कैसे कंसीडर किया वो समझ रहे हैं? वो कैसे कंसीडर किया, उसमें एक लॉजिक फॉलो कर लिया कि अपोजिट फेसिंग, जो एक दूसरे की तरफ फेस करने वाले सर्फेसेस होते हैं किसी भी कंडक्टर के, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं। इसका प्रोपोर्शन कहाँ से बारो किया, यहाँ पर 2 और 3 के चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, 4 और 5 के चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट। तो कंडक्टर के फेसेस अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, सर्फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो एक में अगर क्यू चार्ज है तो दूसरे पे माइनस क्यू आना गॉस लॉ का कंपल्शन होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा गॉसियन सरफेस चूज किया तो फील्ड जीरो, चार्ज इनक्लोज को जीरो बोलता है। कैविटी में भी देखा, रिमेम्बर यहाँ पर कैविटी में ये 3Q था तो इसको माइनस क्यू आना पड़ा। सो सिमिलरली कंडक्टिंग फेसेस अगर एक दूसरे को फेस करते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट आता है। हाँ, अगर आप इस बात पर इंटरेस्ट लेते हो कि कैसे ये प्रूफ किया जाएगा, तो मैं एक मिनट में उसको प्रूफ भी कर सकता और फिर आप उस प्रूफ को याद भी रख सकते हो। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। आप एक गॉसियन सरफेस चूज करो, ऐसा, एक मिनट लगेगा। मान के चलो कि ये क्यू बराबर नहीं है, या फिर इसको Q1 पकड़ लो, इसको Q2 पकड़ लो, समझ रहे हो, और इसको कुछ ऐसे तरह क्यूब टाइप का एक गॉसियन सरफेस लो क्लोज्ड वाला, फिर उस पर इंटीग्रेशन करो E.ds, और आप बोलोगे क्यू इनक्लोज्ड विच इज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, समझते हो ना। जब आप इस पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो लाइन जाएगी वो उसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, या सरफेस जो जाएगा उसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड जीरो है कंडक्टर के अंदर हो, यहाँ पर भी ये फील्ड जीरो आएगा क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में हो। जब आप इस सरफेस पे चल रहे होगे, ये वाले सरफेस पे, तो आप देखोगे कि आपका एरिया इधर जाएगा ds, फील्ड इधर जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं प्लेट्स की जो फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स होता है। तो E.ds इस वाले भी सरफेस पे जीरो हो जाएगा। सिमिलरली बॉटम वाले सरफेस पे जाओगे वहां भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली फ्रंट वाले पर आओगे तब भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फील्ड इधर होगी और एरिया बाहर की तरफ आ रहा होगा। बैक साइड पे जाओगे वो भी जीरो हो जाएगा। इसको ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड और क्यूब जो भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं उसके लिए E.ds की वैल्यू जीरो आने वाली है। E.ds विल बी जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो अपने पास क्या बना, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स Q1 मस्ट बी इक्वल टू -Q2। इसका मतलब है कि एक फेस का अगर चार्ज क्यू है तो दूसरे का चार्ज कितना आना चाहिए, -Q आना चाहिए। ये कंपलसरी है फॉर पैरेलल प्लेट फेसेस को लेकर, ये गॉस लॉ से प्रूफ होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसको जोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में लिख करके आपको बता दूंगा। आप दोबारा सुनेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, बहुत लॉजिकल पॉइंट से बोला है। प्लस निकालना आपको आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता था लास्ट, और अगर आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं इसको नोट डाउन भी कर दूंगा। इसका पहले आप आंसर दो। प्लेट से अपने पास 3 प्लेट्स हैं, इसका आंसर आपने दे दिया, इसका मतलब आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया। प्रूफ के लिए आप उसको एक बार रीड कर सकते हो, अदरवाइज मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लिस्ट आपसे ऐसा बोलता है कि इसके पास 2Q चार्ज है, इसके पास जीरो चार्ज है, इसके पास -Q चार्ज है, या कोई भी नंबर दे देते फॉर दैट मैटर, 3 प्लेट्स हैं। आपसे कहता है फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन।
रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अपने को चार्ज बताना है, वन फेस पर, टू फेस पर, थ्री फेस पर, फोर फेस पर, फाइव फेस पर, सिक्स फेस पर, सारे चार्ज बताने हैं। आप केवल फर्स्ट बता देंगे तो अपना काम हो जाएगा, बाकी सारे मैं लिस्ट कर दूंगा। क्यू वन, वन पर कितना चार्ज आने वाला है? ट्राई कीजिए। मिडिल वाली प्लेट पर कोई चार्ज नहीं दिखाया गया, इसका उसके पास कोई चार्ज नहीं था इनिशियली। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वंस आंसर कम्स फॉर क्यू वन वी कैन लिस्ट ऑल सिक्स ऑफ देम। टू क्यू आंसर बताया जा रहा है। ओके, सो एक आंसर आया एटलीस्ट, अच्छी बात है। तो मैं प्रोसीड करता हूँ क्योंकि एक आंसर आ गया और उसी को बेस बना सकता हूँ। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर क्यों मान लीजिए, कहीं से भी क्यों मान करके स्टार्ट कर सकते हो, चॉइस आपकी है, क्योंकि एक अननोन है हमारे पास। सो लेट्स से कि हम इसको क्यों एज्यूम करते हैं इनसाइड वाले को, तो फर्स्ट के आउटसाइड वाले फेस पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस क्यू माइनस क्यू, सो दैट के टोटल सम टू क्यू बना रहे, कंजर्वेशन। फिर ये अपोजिट फेसिंग सर्फेसिस है तो यहाँ पर माइनस क्यू आना मस्ट है। अच्छा, इस पर माइनस क्यू आना मस्ट है, लेकिन इसका टोटल कितना है, जीरो। अगर जीरो है तो फिर यहाँ पर क्यू आना मस्ट है, सो दैट के दोनों मिलाकर के जीरो बना सके। और अगर यहाँ पर क्यू आना मस्ट है तो ये अपोजिट फेसिंग है फेस सर्फेसिस, तो यहाँ पर माइनस क्यू आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस क्यू आया, अब अपने को टोटल कैपिटल क्यू रखना है, तो ये माइनस कैपिटल क्यू प्लस क्यू होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द चार्जेस ऑन ऑल दिस सर्फेसिस। इन ऑल द केसेस यू विल फाइंड चार्ज कंजर्वेशन एंड गॉस लॉ वैलिडिटी, दोनों रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चार्ज कंजर्वेशन तो आप इजीली ऑब्जर्व कर लेते हो, गॉस लॉ की वैलिडिटी कैसे देखते हैं, इन आउट फेसिंग सर्फेसिस को इक्वल एंड अपोजिट चाहिए, तो एक का पता चलेगा तो दूसरे को हम निकाल सकते हैं, बस हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो आउटर सर्फेसिस के चार्ज हैं उनको इक्वेट कर देना। तो ट्वाइस क्यू माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू। ये क्यों इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो ये चारों फील्ड आपस में कैंसिल आउट करेंगे, इनको भी कैंसिल आउट करना चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा। यहाँ से q की वैल्यू यानी ट्वाइस q की जो वैल्यू अपने पास आ रहा है दैट इज बेसिकली 3q, बाय द वे सेम नंबर फिर से आया, तो स्मॉल q की जो वैल्यू आ रही है वो 3q बाई 2 आ जा रही है। और भी लॉजिक्स हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली बोल लेते एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आती है दिस प्लस दिस बाई 2, तो वो 3q बाई 2 आएगा। एनीवे, सो q1 कितना हो जाएगा, q1 आएगा ट्वाइस q माइनस q, सो ट्वाइस q में से हम 3q बाई 2 हटा देते हैं, तो फर्स्ट पे कितना आएगा, फर्स्ट पे q बाई 2 आना चाहिए। एक बार आपको फर्स्ट क्लियर हुआ तो क्या हम 2 पर बता सकते हैं, सेकेंड सर्फिस पर, ऑफ कोर्स दैट वाज q व्हिच हैज टू बी 3q बाई 2। क्या हम थर्ड पर बता सकते हैं, ऑफ कोर्स माइनस 3q बाई 2। फोर्थ पर बता सकते हैं, 3q बाई 2। सो इस तरह से आप सारे फेसेस को लिंक कर लिस्ट कर सकते हो। फिफ्थ पर आओगे तो माइनस वर्जन ऑफ दिस 3q बाई 2, एंड सिक्स्थ पर फाइनली आओगे तो q1 के बराबर q बाई 2 आ जाएगा। चेक कर लीजिए सभी का चार्ज कंजर्वेशन वैलिड हो रहा होगा और सभी के पास सर्फिसेस के चार्ज इक्वल फेसिंग सर्फिसेस का इक्वल एंड अपोजिट चल रहा होगा। सो ये आपसे पूछ लेता है, ऐसा पूछ लेगा कि बताइए Q4 कितना है, फोर्थ फेस पे कितना चार्ज आएगा। सब बोलेंगे ये जो नंबर है वही आ रहा है। ओके, सो ये चार्ज कंडक्टर्स में चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिक क्वेश्चंस है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। अभी इस पर मॉडिफिकेशन आएगा, क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा या फिर इस प्लेट को इस प्लेट से लिंक कर देगा। तो फिर हम बोलेंगे कि प्लेट्स को प्लेट्स से लिंक करते हैं तो टोटल दोनों प्लेट का कंबाइन चार्ज कंजर्व हो जाएगा,
और ग्राउंड करेगा तो पोटेंशियल जीरो करेंगे, तो वो सारी स्टोरीज अभी हम लोग करने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अभी आप ये बेसिक समझ लीजिए, प्लेट्स में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्फीयर्स में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, एक बार तो आपको दिया जाएगा फिर दोबारा कैसे बदलता है, कैविटी कैसे बिहेव कर रही होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। तो आज का जो लेक्चर था मोस्टली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन से था, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से था, ये सारे कंडक्टर केस के लिए है। नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तो जो चार्ज जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, कोई कहीं नहीं जाता है फिर। सो दैट्स बेसिक डिफरेंस। ओके सो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर द डे। If you have anything to ask, you can. Otherwise, we can wind it off. Can we equate third and fourth surface charge? No. We will be equating only the first and last. First and last. जो इक्वेट करना होगा फर्स्ट का लास्ट के साथ करेंगे, बीच करने। ये लॉजिक कहाँ से आ रहा है, किसी एक पॉइंट को चूज कीजिए, फील्ड को बैलेंस कीजिए। ओके ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।